ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। चकराता में बीते कुछ दिनों पहले एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से चकराता में खौफ व डर का माहौल बना हुआ है और लोग अपने घरों से निकलने में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। वहीं चकराता छावनी के कुछ व्यापारी वर्ग भी मृतिका महिला के सीधे संपर्क में आए थे। उन सभी लोगों को चिन्हित करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर उन सभी के रैपिड टेस्ट करवाए थे, जिसमें कि 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन सभी को तत्काल कोविड सेंटर देहरादून के लिए रेफर किया गया था, परंतु उन सभी 11 लोगों को एक सप्ताह बाद उनके घर वापस भेज दिया गया है। कारण उनमें अब कोरोना जैसे घातक व जानलेवा बीमारी का कोई भी सिम्टम्स नहीं है और अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सभी लोग अब स्वस्थ व सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देहरादून कोविड सेंटर से लौटने पर इन लोगों का चकराता बाजार के लोग व व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही कोरोना को मात देकर वापस लौटे हुए सभी लोगों पर पुष्प वर्षा व तालियां बजाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एहतियातन के तौर पर लौटे हुए सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन सभी को घर भेज दिया है। सभी लोगों को अगले 7 दिनों तक होम क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। कोरोना की जंग जीत कर आने वाले ये 11 योद्धाओं ने साबित कर दिया है कि हिम्मत व हौसले से कोई भी जंग जीती जा सकती है, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। श्रमिक मंत्री के लिए चकराता से संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट।